मुरली में सुना कभी है? हाँ, बड़ौदा की महारानी। बड़ौदा नाम क्यों दिया? नहीं, एक बड़े दा होते हैं, एक छोटे दा होते हैं। क्या दादा होते हैं ना, दादागिरी दिखाने वाले, एक बड़े दादा और एक छोटे दादा। जो देहधारी मनुष्य होते हैं, 500-700 करोड़ मनुष्य, उनका बाप तो है प्रजापिता, और बड़ा दा कौन है? बड़ा दादा कौन है? ब्रह्मा बाबा है बड़ा दादा। 500 करोड़ पत्तों में से पहला पत्ता, ये तो देहभान की बात हुई। अब आत्माओं के बीच में बाप कौन है? शिव बाप है? शिव बाप। और आत्माओं के बीच में जो शिव बाप है, उसका बड़ा बच्चा कौन है? हाँ? कौन? प्रजापिता की आत्मा। प्रजापिता नहीं, प्रजापिता की आत्मा, वो बड़ा दा हो गया। उस बड़े दा की महारानी कौन है? जब दादागिरी का सवाल आता है तो आत्मा दादागिरी जब दिखाती है तो देह अभिमानी है कि आत्मा अभिमानी है? देह अभिमानी हुई ना, तो बड़ा दादा भी है तो छोटा दादा भी है, बड़ा बाप भी है तो छोटा बाप भी है, छोटा बाबा भी है और बड़ा बाबा भी है। यहाँ बात हो रही दादा की, तो बड़ा दादा जो है, जो सुप्रीम सोल बाप के पहलौटी का बच्चा, वो जब देहभान में आता है तो दादा कहा जाता है। और उस दादा की महारानी कौन है? ऐसे तो वो दोनों ही मिलके एक हैं, लक्ष्मी और महालक्ष्मी दोनों ही मिलकर संस्कार से एक हो जाती है। लेकिन जब संस्कार नहीं मिलते हैं उससे पहले, बड़े दा की जो महारानी होगी वो कम देहवानी वाली होगी है कि ज्यादा देहवान वाली होगी? ज्यादा देहवान वाली होगी। और कलयुग के अंत में पति पत्नी की सब जगह आपस में कटपट होती है, होती है कि नहीं? होती है। तो जो बड़े दा की महारानी है वो कौन हुई? जगदम्बा। और जगदम्बा है वसुंधरा पृथ्वी। पृथ्वी में पांचों तत्व ज्यादा से ज्यादा परसेंटेज में समाये हुए हैं। पांच तत्वों का संघात है प्रकृति, और प्रकृति बड़ौदा वालों से नाराज हो गई। नाराज होगी तो क्लास करने देगी? बाप का क्लास बिल्कुल नहीं करने देगी क्या? अगर करना ही है तो महाकाली की छत्र छाया में आ जाओ। अभी कौन फटकाने वाली है? अभी तक तो माया फटकाती थी, लेकिन
माया के ऊपर बाप के बच्चों ने विजय तो नहीं पाई, लेकिन माया तंग कर दिया माया को। क्या अव्यक्तवाणी में क्या बोला? माया अब थक चुकी है। जब शरीर बहुत थक जाता है, बुढ़ापा आ जाता है, तो क्या इच्छा होती है? शरीर छूट जाए। तो शरीर भी छूट गया, थक चुकी है, तो कोई सहारे की जरूरत होती है या नहीं? सहारे की जरूरत होती है। भले माया सर्वशक्तिमान है, फिर भी तंग हो चुकी है, थक चुकी है, इसलिए वो सहारा ढूंढ लेती है। क्या कलयुग के अंत में ये पति पत्नी का झगड़ा बड़ा भारी हो जाता है घर घर में? तो जगत पिता और जगदम्बा का जो झगड़ा है वो माया परख लेती है। परख के क्या करती है? फिर प्रकृति से हाथ मिलाए लेती है। अव्यक्तवाणी में क्या बोला? माया ने किससे हाथ मिलाए लिया? प्रकृति से हाथ मिलाए लिया। तो जो प्रकृति है उसको भी सहारा मिल गया और माया को भी सहारा मिल गया। माया तो थी ही पहले से ही फटकाने में बहुत तीखी, अभी प्रकृति में तो माया से भी जास्ती ताकत है। प्रकृति विनाश नहीं कर पाती है, लेकिन माया नहीं, माया विनाश नहीं कर पाती है, लेकिन प्रकृति सारी सृष्टि का विनाश कर मारेगी। माया में तो फिर भी अंदरूनी ज्ञान होता है बाप को पहचानने का, और प्रकृति जड़ है या चैतन्य है? प्रकृति तो जड़ तुम्हें ही बुद्धि वाली है, तो उसकी बुद्धि में बाप की पहचान नहीं होती, इसलिए वो बाप से बिल्कुल फिर डरती नहीं। तो बड़ौदा वालों को देखेगी, ये तो पाला बदल रहे हैं, तो हिलाएगी कि नहीं हिलाएगी? हिलाएगी। और हिल तो गए, वहां से उठ के यहाँ बैठ गए। अरे ज्यादा से ज्यादा क्या होता? कपड़े भीग जाते और क्या होता है? हाँ, कपड़े चेंज कर लेते बाद में, इससे ज्यादा तो कुछ नहीं होता, लेकिन उसने हिलाई दिया। पवित्रता से दुनिया के सारे काम होते हैं। तो भक्ति मार्ग में ये विश्वास है कि जो मोर पंख है वो सबको डाउन कर सकता है, दुनिया के सारे भूत प्रेतों को। इसके लिए तो बालाजी के मंदिर में देखो जाके कितने भूत प्रेत आते हैं। बालाजी का मंदिर इतना प्रसिद्ध क्यों है? क्योंकि बालाजी ने ऐसा नाम बाला किया है, सब भूत प्रेतों को डाउन कर दिया। और बाबा अभी जगदम्बा के लिए बोला कि वो प्रकृति है तो जड़ है, क्योंकि जड़ है तो बाप को पहचान कम पाती है। तो दूसरी तरफ बोलते हैं कि वो सदा शिवबाबा के साथ है, कमल पुष्प की तरह उसकी बुद्धि हमेशा शिवबाबा के साथ चली गई। प्रैक्टिकल में कर्म देखा जाता है, उसका भाग्य बनता है कि अंदर ही अंदर जो चलता रहे सिर्फ भावना में, उसका भाग्य ज्यादा बनेगा। प्रैक्टिकल कर्म चाहिए, सारी दुनिया प्रैक्टिकल देखना चाहती है, यह सिर्फ अंदर ही अंदर की बात है, प्रैक्टिकल देखना चाहती है। तो प्रैक्टिकल श्रेष्ठ कर्म तो लक्ष्मी के हैं। नारी से क्या बनना है? लक्ष्मी बनने का लक्ष्य है। नारी से जगदम्बा बनने का तो लक्ष्य नहीं है। जगदम्बा माने सारे जगत, सब धर्मों की अम्बा। उसमें राक्षस भी आ जाते हैं, मनुष्य भी आ जाते हैं, देवताएं भी आ जाते हैं।
तो सबकी अम्बा बनना अच्छा या देवताओं की अम्बा बनना अच्छा? सौ करोड़ मिनट का ऐसा 100 करोड़ मिनट का ऐसा एक लिटरेचर छपा हुआ है बीते में, और उसमें ये मिनट ये सब इकट्ठी करके फिर ऐसे बैंक बनाई गए थे। शुभ भावना संकल्प 100 करोड़ संकल्प के बैंक ऐसा मतलब इकट्ठा ऐसा करना है, वो दादी को अर्पण करने का ऐसा लक्ष्य रखा है। ऐसा कोई बाबा ने डायरेक्शन दिया? नहीं, तो मनमत से रिजल्ट क्या आएगा? मनमत मनुष्य मत से दुर्गति, और बाबा की मत से सदगति। ब्रह्मा बाबा ने अभय कवाणी में कुछ ऐसा बोला क्या? नहीं। ऐसा डायरेक्शन दिया? उन्हें तो दुनिया को भरमाना है कि हम देखो ज्यादा सर्विस करने वाले हैं, संसार को दिखावा करना है। वास्तव में उनकी दिल नहीं है सेवा करने की। कबूतर का कंठ जो है वो ज्ञान सुना सकता है कि तोते को दिखाते हैं ज्ञान सुनाते हुए? तोते को ज्ञान की कंठी भी पड़ी हुई होती है। जो ज्ञान की कंठी है वो ये साबित करती है कि इनके अंदर से ज्ञान उगलता है। शास्त्रों में तोते भी दिखाए हुए हैं शिव के मंदिर में, और कबूतर भी दिखाए हुए हैं। कबूतर सदा काल मंदिर में रहेंगे, और तोते थोड़े समय के लिए जाते हैं, सारी कथा सुन लेते हैं और सुन करके बाहर सुनाते हैं। तो ये कबूतर बुद्धि है, ये तो संसार को दिखावा करने वाले हैं कि हम ज्यादा सेवा करते हैं। इनके तो गले में बांधी जाती है सेवा, कोई संदेश पहुंचाते हैं ना राजा एक दूसरे राजा को, तो क्या करते थे? गले में बांध देते थे लिख करके। है हाँ, बाहें कहाँ होती है बेचारे को, वही पाँव, वही बाहें, पाँव में बांध दो। पाँव को भी कहेंगे बुद्ध रूपी पाँव, गले को भी कहेंगे गले पड़ गया। तो करना नहीं चाहते, वो सेवा उनके गले पड़ गई है। अगर सेवा नहीं करेंगे तो शंकर पार्टी आगे बढ़ जाएगी, दुनिया में शंकर पार्टी का नाम बाला हो जाएगा। इसलिए कुछ करके दिखाओ, बल पैसा खर्च होने दो, पब्लिक का पैसा है ना, फालतू चला जाए तो कोई हर्जा नहीं। तैतीस साल ब्रह्मा के 33 साल शंकर के और 33 साल विष्णु के। तो तीनों देवताओं में ब्रह्मा बाबा कितने दिन जीवित रहे, कितने वर्ष जीवित रहे? अरे ब्रह्मा बाबा जब से ज्ञान में आए तब से लेकर सेवा की या नहीं की? सेवा की। तो ब्रह्मा, उस ब्रह्मा से जो ब्राह्मण पैदा हुए, ब्राह्मण धर्म की स्थापना हुई, तो कितने साल चला वो कार्य? 33 साल चला। उसके बाद दूसरी मूर्ति आती है। दूसरी मूर्ति कब आती है? अरे जंगल में एक शेर जाता है तो दूसरा शेर आता है। जंगल तो राजा के बगैर खाली नहीं रहता। तो 69 में ही उन्होंने शरीर छोड़ा और 69 में ही दूसरी आत्मा आ जाती है। तो वहां से 33 साल और जोड़ दो, 69। हाँ, बात तो पूरी होने दो, धीरज धर तो 69 से लेकर के गिने 2002 या 70 से गिने, तो 70 से गिनेंगे, 69 से गिनेंगे तो कब पूरा होता है? 2003 है,
2003 में पूरा होता है, एक साल रुंग का जुड़ा हुआ है, 2004 आ जाता है। तो ये 33 साल जो है वो शंकर के द्वारा मनन चिंतन मंथन और मंथन करके उसके द्वारा जो रिजल्ट निकलता है, रस निकलता है, मक्खन निकलता है, अमृत निकलता है, वो ब्राह्मणों में बांटा जाता है। ब्राह्मणों में बांटा जाता है या देवताओं में बांटा जाता है? उन्होंने तो देवताओं को दिखा दिया, लेकिन बांटा किसको जाता है? ब्राह्मणों को बांटा जाता है। तो ये 33 साल पूरे हुए। अब इसके बाद अमृत जब निकलता है तो बांटने का कार्य प्रैक्टिकल में किसको दिया जाता है? वो लक्ष्मी को दिया जाता है। 2004 के बाद बाबा की अभ्यक्तवाणी चली कि जो असली सेवा करनी है वो अफ्रीका ने शुरू की है। क्या? तो जरूर वहां कोई आत्मा होगी जो असली सेवा करने के निमित्त बनी हुई होगी। क्या सेवा है लक्ष्मी की? सेवा क्या है? जो असली ज्ञान अमृत है वो लोगों तक वो बांटना। असली ज्ञान अमृत में उसके पास क्या है? एडवांस ज्ञान है? एडवांस ज्ञान तो नहीं है, लेकिन एडवांस ज्ञान का लक्ष्य क्या है? एडवांस का लक्ष्य है जो विकारी नर है उस विकारी नर को, नर सारे ही दुर्योधन दुशासन है ना, उन विकारी दुर्योधन दुशासनों को नर से क्या बना देना? नारायण बना देना। शब्द का अर्थ होता है नार अयन, नार माने जल, ज्ञान जल, अयन माने घर। जिसका घर कहाँ है? ज्ञान जल में, क्षीर सागर में जिसका घर है। 24 घंटे बुद्धि कहाँ चलती रहे? ज्ञान जल में ही रमण करती रहे। ज्ञान जल के बाहर भक्ति मार्ग की बातों में बुद्धि रमण न करे, भक्ति मार्ग की बातों को भी पकड़े तो ज्ञान मार्ग में टैली करे, अखबारों की बातों को भी पकड़े तो भी ज्ञान मार्ग में टैली करे, शास्त्रों की बातों को पकड़े तो भी ज्ञान मार्ग में टैली करे, सदैव ज्ञान में बुद्धि रमण करती रहे। ज्ञान में ही, ज्ञान जल में ही बुद्धि रमण करेगी तो कपड़ा जल से साफ होगा या नहीं होगा? ज्ञान जल की लगातार धारा पड़ेगी तो कपड़ा साफ जरूर होगा। और सफाई के लिए, ये तो शरीर रूपी वस्त्र है, इस शरीर रूपी वस्त्र के लिए बाबा ने सोप भी बता दिया। कौन सा सोप है? लक्ष्य सोप। मुरली में बोल दिया सबसे अच्छा और सहज उपाय है बाप को याद करने का, किसको याद करो? नारायण को याद करो। जो नारायण का संपन्न रूप है वो अगर याद करेंगे, अरे पहचान होगी तो याद करेंगे कि बिना पहचान के याद कर लेंगे? पहचान होगी तब ही याद कर सकेंगे कि वो नारायण का स्वरूपधारी कौन है जो 24 घंटे बुद्धि कहाँ लगी रहे? जिसकी ज्ञान जल में लगी रहे। वो सत्युग के नारायण का गायन नहीं है। कहाँ के नारायण का गायन है? संगम भी नारायण का गायन। तो वो नारायण बनना अर्थात पवित्र बनना, नर बनना अर्थात अपवित्र बनना। नारी नहीं कहा, क्या कहा? नर। नर जितने भी हैं वो सब दुर्योधन दुशासन है, जोर जबरदस्ती करने वाले हैं विकारों के लिए। तो ऐसे विकारी मनुष्यों को क्या बना देना लक्ष्य है ज्ञान का? पवित्र नारायण ऐसा बना देना जिसका शरीर भी पवित्र हो जाए, इंद्रियां भी कैसी हो जाएं? इंद्रियां भी पवित्र हो जाएं और मन बुद्धि और दृष्टि भी पवित्र हो जाए और वाइब्रेशन भी पवित्र हो जाए। यही तो लक्ष्य है। बाबा ये संगम रूप में घर अच्छा तो या तो स्त्री चोला धारण करना अच्छा है कि नर चोला अच्छा है? अपनी बुद्धि, अपनी बुद्धि से सोचो, तुम घाटे में हो कि फायदे में हो? स्त्री के हिसाब से तो वो आगे जा सकते हैं। कौन? स्त्री चोला आगे जा सकता है?
इसी चोला आगे जा सकता है, माने लक्ष्मी जो है वो नारायण से आगे जा सकती है। हाँ प्योरिटी, शिव बाबा आते हैं तो जो पवित्र हैं, साधु संत महात्मा हैं, उनकी प्योरिटी को ज्यादा महत्व देते हैं या अपवित्र को ज्यादा महत्व देते हैं? बाबा पवित्र अपवित्र देखता है या कोई और बात देखता है? क्या बात देखता है? नहीं, हाँ तुम बच्चों की खास शिफ्ट है जो दुनिया वालों में वो शिफ्ट नहीं है, इनके अंदर भी नहीं है। इनके अंदर ब्रह्मा के अंदर भी वो विशेषता खसूसियत नहीं है, इनके फॉलोअर्स के अंदर भी वो खसूसियत नहीं है। तुम्हारे अंदर ये खसूसियत है कि तुम बाप को पहचानते हो, वो बिंदी बाप जो आंखों से दिखाई नहीं देता उसको भी तुम पहचान लेते हो तीसरे नेत्र से। कितनी भारी विशेषता है। बाबा भी निश्चय के ऊपर ही क्लास। आज तो जो नर से नारायण बनने वाली आत्माएं बाप को पहचान लेती हैं, बाप उनकी माला सिमरते हैं, विजय माला नहीं सिमरते हैं, तो ऊंचा कौन हुआ? भगवान जिनको याद करे वो तो बहुत ऊंचे हो गए। अगर पहचाना ही नहीं होता तो विजय माला पवित्रों की लिस्ट में आती? वो लक्ष्मी जिसको आसुरों ने सैकड़ों से हजारों से आंख लड़ाने वाला अपवित्र आंख बनवा दी, वो पवित्र आंख बनती? नहीं बनती। छोटी मम्मी बाबा क्लास तो निश्चय बुद्धि पर ही कराती है। ओहो, निश्चय किसके ऊपर? निश्चय बाप के ऊपर निश्चय। बाप माने क्या? वो मालूम नहीं है। तो फिर बाप माने बिंदी? वो बिंदी बता दे। तो जब बिंदी बाप है तो वो करता क्या है? कहेंगे करते सब कुछ हम हैं। वो सिर्फ आके ब्रह्मा तन में आकर के ज्ञान सुना के चला जाता है, बाकी सारा काम हम करते हैं। हम हैं करणहार, बाप करणहार नहीं है। तो ये बात ठीक है? अरे बाप खुद ही करणहार है, प्रैक्टिकल में करके दिखाता है और बच्चों से करवाता भी है। तो लक्ष्मी तो आधीन रहने वाली है और नारायण तो आधीन रहने वाला नहीं है। बाप हमको राजा बनाने आए हैं। राजा स्वाधीन होता है, किसी के आधीन नहीं होता है। सारी प्रजा, मंत्री, अधिकारी सब एक तरफ हो जाएं तो भी राजा अपनी बात पर डटा रहता है, किसी के आधीन नहीं होता। तो बाप हमको ऐसा राजा बनाते हैं। आधीन रहने वाला कभी अधिकारी नहीं बन सकता। ये आधीन रहने के संस्कार यहाँ डाले जा रहे हैं। बाप कहते हैं क्यों आधीन बनते हो? अरे क्यों नौकरी पौकरी कर रहे हो? ब्राह्मण बनकर के नौकरी करना, किसकी कुट्टे बर्दारी करेंगे? देहधारियों की ना, उनके आधीन नहीं रहना पड़ेगा। वो जो डायरेक्शन देंगे वो करना नहीं पड़ेगा। करेंगे तो संस्कार कौन से पड़ेंगे? आधीन तक संस्कार पड़ेंगे, फिर राजा बनोगे? नहीं बन पाओगे। और सब धंधों में है नुकसान। अरे रुको, ईश्वरीय सेवा में जब तुम बाबा देखेंगे कि तुम आगे बढ़ गए, तुमको निमंत्रण मिलने लगे ईश्वरीय सेवा में, इतने ज्ञान में तीखे हो गए, तो बाबा कहते छोड़ दो, अब तुम्हें उधर भी नहीं है तो इधर भी नहीं है, तो तुम तो दोनों पल्लों से मारे जाओ। और माया भी नहीं लगा। अच्छा बाबा, यार जब गड्डियाँ चलेगी तो वो कितनी गड्डी से चलेगी? फिर संगमित बुरा हो जाएगा है? जैसे ये गद्दी होती है ना सतयुग में, आठ गद्दी सतयुग में होती है। हाँ, तो यहाँ संगमित में उसका शूटिंग होगा ना? हाँ, तो वो कितनी गद्दी तक शूटिंग होता है? फिर मैं तो बोला आठ गद्दियाँ इस पर नजर आएंगी।
उसके बाद में विनाश होगा ना फाइनल। अरे आठ गद्दियां जब सब बिखरे हुए हैं तो जैसे दुनिया में अलग अलग देशों के अलग अलग राज्य हैं, ऐसे ब्राह्मणों की दुनिया में भी सब बिखरे हुए हैं। दुनिया में भी आठ नौ धर्म देखने में आ रहे हैं, नौ ग्रुप देखने में आ रहे हैं बड़े बड़े, और ब्राह्मणों की दुनिया में भी नौ ग्रुप देखने में आवेंगे। वो संपूर्णता है, वो अधूरापन है या संपूर्णता है? वो तो अधूरापन है। अधूरेपन की बात हमारी बुद्धि में क्यों आती है? हमारे बुद्धि में तो वो बात आनी चाहिए जो सारी दुनिया का एक हो, कर्ता धर्ता, सारी राजाइयां मिलकर के एक राजाई में मिक्स हो जाए, सारे धर्म मिलकर के एक धर्म बन जाए, सारे राज्य मिलकर के एक राज्य, एक धर्म, एक कुल, एक मर्यादा, एक भाषा हो जाए। अभी तो हिंदी को कोई घास भी नहीं डालता है, ब्राह्मण बच्चे ही हिंदी को घास नहीं डालते हैं। जहां गुजराती, मराठी और बंगाली इकट्ठे हुए, हिंदी जानते हैं अच्छी तरह से, फिर भी क्या करेंगे? अपनी अपनी भाषा में बोलने लग पड़ेंगे। क्यों? दुनिया को दिखाने के लिए कि देखो हमारी मातृभाषा ये है, हम ऐसे माँ बाप के बच्चे हैं, यानी बंगाली माँ बाप है हमारा, मराठी माँ बाप है हमारा, रोज की चलन से पट्टा पड़ जाता है कि एक बाप का बच्चा बना है या दो बाप का दोगला बच्चा है। जगन्नाथ जी भी और बलराम की मूर्ति मूर्ति आदि दिखाते हैं, माने जो बलराम और सुभद्रा और जगन्नाथ तीनों की भुजाएं कटी हुई हैं। आधा दिखाते आधा से भुजा माने क्या है? भुजा माने सहयोगी। जब माया का फाइनल पेपर होगा, सब की बुद्धि को माया भरमा देगी, तो कलयुग के अंत में सब बाप को भूल जाते हैं या कोई को बाप असली रूप में याद रहता है? जगत पिता को, आदम को, एडम को सब भूल जाते हैं। आत्माओं के बाप शिव को भी भूल जाते हैं। तो शूटिंग यहाँ होगी कि नहीं होगी? प्लान तैयार हो रहे हैं बीके में। उनका कहना है कि जो हालात तुम्हारे गुरुजी की है 98 में, वही हालात सब बड़े बड़ों की कर मारेंगे। तो फरुखाबाद में जो हाल हुआ, कलकत्ते में जो रविंद्र भाई का हाल हुआ, वही हाल होना है या नहीं होना है? दुनिया भ्रष्टाचारी है या शिष्टाचारी है? तो भ्रष्टाचारियों को नोटों की गद्दियां अनाप शनाप मिलेंगी, तो वो उल्टा काम कर बैठेंगे या नहीं कर बैठेंगे? पुलिस प्रशासन भ्रष्ट है या श्रेष्ठ है? भ्रष्ट है। बाप के लिए हो सकता है तो बाप के बच्चों के लिए नहीं हो सकता? पैसे की कमी है क्या? नहीं। नोटों की गड्डियों की कमी है? कमी तो नहीं है। इधर इनकम टैक्स पीछे पड़ा हुआ है, वो किसी को नहीं छोड़ता, बीके वालों को भी नहीं छोड़ेगा, तो डर है इससे, तो अच्छा कहीं ना कहीं उसको जल्दी जल्दी जो ब्लैक का पैसा है क्या करो, उसको जल्दी से खत्म कर दो। तो जब एक एक की बकिया उधेड़ी जाएगी अखबारों में, टीवी में, डर तो नहीं लग रहा है? नहीं। टीवी में, अखबारों में, रेडियो में, तो पब्लिक तो बेचारी
निरीह होती है। अकल होती है पब्लिक को? वो तो बस जैसे अखबार कहेंगे कहेंगे अरे एक अखबार की बात हो तो हम झूठी मान लें, अरे यूपी के चार मुखिया बता अखबार और चारों मुखिया बता अखबारों में वही बात फैल रही तो सारे अखबार थोड़े झूठे हो जाएंगे, सबको रिश्वत दे दी जाएगी क्या? ऐसे चिल्लाएंगे प्रशासन की ये हालत है कि नीचे का जो थाने का जो वो होता है चौकीदार वहां से लेकर के और जो स्टेट का बड़े में बड़ा डीजीपी होता है डायरेक्टर जनरल पुलिस सब खाऊ हैं। नीचे से पैसा मिलता है उसमें से हिस्सा लगाते हैं वहां तक पहुंचता है तो उनको 50 लाख या 1 करोड़ की गद्दी मिल जाएगी तो वो नौकरी की परवाह करेंगे? नहीं करेंगे, नहीं करेंगे। इसलिए माया ऐसा फैलावा फैलावेगी सब बाप को भूल जावेगी। झूठ है झूठ मेरे ही झूठ सच की रत्ती नहीं। अभी तो माया का रूप देखा है, सन 98 माया तो आधार मूर्त में जिंदा थी ना, अभी तो माया और प्रकृति दोनों इकट्ठे हो गए, हाथ मिला लिया। प्रकृति तो वो है जो बाप के साथ वर्षों रही है तो लोग उसकी बात पे विश्वास करेंगे या माया की बात पे ज्यादा विश्वास करेंगे? प्रकृति जो साथ रही है वर्षों उसकी बात तो पहले मान लेंगे कि जरूर सच्ची बात होगी और रास्ता दिखाने वाली अकल की बुलंद माया है ही साथ में, बुद्धि को घुमाती रहेगी। सारी दुनिया असुर है और सब असुरों का गला कौन काटती है? महाकाली। बीके में तो बाबा ऐसा बोलते हैं कि सच की नाव डूबेगी हिलेगी मगर डूबेगी नहीं। नाव माने क्या? वो जानते नहीं हैं। नाव माने क्या? नवैया माने क्या? शरीर रूपी नवैया। वो एक शरीर रूपी नवैया 100% पार्ट बजाने वाली की बात है या सब नवैयों की बात है? वो तो नवैया का अर्थ ही नहीं जानते। जरूर कोई एक ऐसी नवैया है। कैसी नवैया है? जो हिलेगी डुलेगी लेकिन डूबेगी नहीं, संसार सागर के पार ले जाएगा बाप। तो कितनी भी पत्थर बुद्धि है, जड़ तुम्हें बुद्धि है, हिमालय पहाड़ जैसी पत्थर बुद्धि है। पार्वती के बाप का नाम क्या था? हिमालय। हिमालय सदैव बर्फ जमी रहती है, बुद्धि चलती ही नहीं। वो कौन सा पार्ट हुआ? ब्रह्मा का। वो ब्रह्मा वाली सोल महाकाली के मस्तक में सदैव विराजमान रहती है। महाकाली का चित्र देखा है? तो बुद्धि जामड़ी है, जामड़ी बुद्धि ऐसी है जो बाप को नहीं पहचानती। वो फिर भी उसकी बुद्धि में एक ही बात बैठी है, गीता का भगवान कौन? कृष्ण। जन्म जन्मांतर की मान्यता बुद्धि में बैठी हुई है। कोई दूसरा गीता का भगवान साकार में हो ही नहीं सकता। वो आत्मा प्रवेश है महाकाली में, जगदम्बा में, और वो जब ग्लानी करेगी। ब्रह्मा कुमारियां तो अधूरी हैं कि पूरी हैं? अधूरी है। और ब्रह्मा कुमारियों की अम्मा कौन है? जगदम्बा। रुद्रमाला का लेफ्ट साइड का मणका है ना, राइट साइड के मणके सूर्यवंशी एक तरफ, चंद्रवंशी मणके एक तरफ, दोनों ऊपर है ना।
दोनों के जो मुखिया हैं वो समान रूप से बाप के नजदीक हैं। निराकार शिव के नजदीक जितना पहला मणका है उतना ही नजदीक लास्ट का मणका भी है। तो पावरफुल है या कमजोर है? पावरफुल है। माया ने जब 98 में बिखंडा किया था बाप के बारे में तो वो तो छोटा सा रूप हुआ। अब माया प्रकृति के साथ बैठ करके जब घोटाला करेगी सारे ब्राह्मण परिवार में तो सर्प की बुद्धि विकृत हो जाएगी, सब बाप को भूल जाएंगे। आज में भी ऐसे हुआ था, एक आत्मा एक तरफ और सारी दुनिया दूसरी तरफ, उन्होंने ब्रह्मा बाबा के लिए लगा दिया। मुरली में तो ये बोला हुआ है 16,000 रानियों को भगाया, मक्खन चुराया, ये सारी कहानी है प्रजापिता की। नाम किसका लगा दिया? ब्रह्मा का नाम लगा दिया। ब्रह्मा बाबा तो 300-400 ही थे ना, ज्यादा कहाँ। पता भी है ब्रह्मा ने भगाई थी वो। किसने भगाई थी? हाँ प्रजापिता की कहानी है, तुम्हारी बुद्धि में बैठाया गया है। बाबा हाँ, सचिन और स्टैंडर्ड की जो राजनीति होती है और द्वापर और कलयुग की जो राजनीति होती है तो नीति में ऐसा कौन सा अंतर है में? वो एक के द्वारा चलती है, वो अनेकों के द्वारा चलती है, इतनी बात समझ में नहीं आई है? अरे अभी हम एक की मत पर कितना चलते हैं और अनेकों की मत पर कितना चलते हैं, मन मत पर कितना चलते हैं, सत्यु त्रेता की शूटिंग कब करते हैं और द्वापर कलयुग की शूटिंग कब करते हैं, कब होती है? एक की मत पर चलते हैं तो सत्युग त्रेता की शूटिंग करते हैं, अनेकों की मत पर चलते हैं या मन मत पर चलते हैं तो द्वापर कलयुग की आसुरी शूटिंग होती है। भावना एक और अनेक, विविचारी और अविविचारी, मुख्य बात तो यही है। गद्दी के बारे में जो बात चली उसमें 26 साल में कितना शरीर छोड़ेंगे, ऐसे कैसे जस्ट 5-5 साल में गद्दी चेंज हो जाएगी? कहाँ संगमयुग में अभी जो चल रहा है ना, गद्दी चेंज हो जाएगी? जैसे ब्रह्मा बाबा के बाद वो दूसरी गद्दी तीसरी गद्दी ऐसा नहीं, संगमयुग के अभी चल रहा है ना, दादी ने संभाला फिर उसके बाद में अभी वही। कौन संभाल रहा है दादी के बाद? मतलब वो आज गद्दी आई वो संगम भी पूरा होगा तब तक। हाँ तो गिनाओ तो पहले ऐसे ही अगर अनुमान से लगा दोगे, पहले तो ब्रह्मा बाबा थे ना? हाँ हाँ पहले ब्रह्मा बाबा थे, ब्रह्मा बाबा के जाने के बाद फिर माया का शासन आया, माया ने शरीर छोड़ा तो कोई तो हैंडलिंग कर रहा होगा। जानकी दादी तुम्हें देखने में आती है, कन्याएं माताएं हैंडलिंग कर रही हैं, तो उनके उनके ऊपर कोई पुरुष दुर्योधन जो शासन बैठे हुए वो हैंडलिंग कर रहे हैं। सारी ब्राह्मणों की प्रॉपर्टी किसने अपनी मुट्ठी में कर रखी है? रमेश भाई तो फिर भी बंबई में माया नगरी के मुखिया हैं। वो तो फिर भी क्रिश्चियनिटी के भी आधार हो गए। क्रिश्चियन से भी पहले कौन कौन होते हैं? बौद्ध धर्म होता है, बौद्ध धर्म होता है, बौद्ध धर्म से भी पहले कौन होता है? इस्लाम धर्म। इस्लाम धर्म के लिए कह दो दादी। फिर बौद्ध धर्म तो स्वदेशी धर्म है, भारतवासी के द्वारा स्थापन किया हुआ धर्म है। स्वदेशी तो गुप्त रहते हैं, वो नहीं पहले प्रत्यक्ष होते हैं, कौरव यादव पहले प्रत्यक्ष हो जाते हैं, तो प्रत्यक्ष हो रहे हैं। जयंती बहन है वो बाबा, मुरली में है,
जयंती बहन बोलते हैं ना, जयंती बहन है नाम बाबा ने डाला है हाँ। रखा है तो उसका कुछ अर्थ होगा ना हाँ। में वेदों को अंत करने वाली जयंती है सर, जयंती बहन वेद छोटी मम्मी के साथ रहने वाली है ना, नहीं बाबा मम्मी लंदन में है ना उसके साथ में रहने वाली है, जयंती अफ्रीका में अफ्रीका में लंदन में है वो जयंती बहन है ना लंदन में दादी जानकी के साथ अभी कुछ बोलते भरत लक्ष्मण और शत्रुघ्न हाँ बाबा ने नेत्रदेह में डाल दिया है भरत है लक्ष्मण और शत्रुघ्न शत्रुघ्न क्यों विनर भी नहीं है नहीं है पर दूसरी तरफ उसको भारत अपने मंत्रों का हेड भी बताते हैं ना किसका अपने धर्म का हेड तो जो धर्म के हेड हैं वो धर्म विधर्मी है विदेशी बन जाता है या स्वदेशी और सुधर्मी बन के रहता है विदेशी विधर्मी बनता है पर दोनों पर एक साथ कैसे हो जाएगा माला के मंत्रों में वो ऊपर ही आएगा या अलग अलग धर्मों में नीचे आएगा जो आदि में सो अंत में एडवांस पार्टी की जब शुरुआत हुई दिल्ली से तो पहले पहले सहयोगी कौन बने वो ही विदेशी सहयोगी बने ना तो जो आज में सहयोगी बनेंगे वो अंत में कुछ सहयोग करेंगे कि नहीं है? अंत में कुछ थोड़ा सा सहयोग करेंगे अंत की सेवा क्या रह जाएगी अंतकाल की मुख्य सेवा क्या रह जाएगी विनाश क्या सेवा रह जाएगी वो तीनों मिलकर के सारी सृष्टि का विनाश करेंगे इसलिए बोला इस्लामी बौद्धि क्रिश्चियन ये है यादव संप्रदाय ये यादव संप्रदाय एटम बम फोड़ेंगे ऐसा खलास कर देंगे तो विनाशी उनको अधूरा राज्य मिलेगा या सीढ़ी का संपूर्ण राज्य मिलेगा शुरुआत का सीढ़ी में दिखाया गया है कि त्रेता के अंत में जो कटी हुई सीढ़ियां हैं वो भारत का खंडित राज्य मिल जाता है उनको क्योंकि थोड़ी अंत में सेवा की है तो उसका उजूरा मिल जाता है जो दास दासी किस्म की आत्माएं होती हैं वो सहयोगी नहीं बनती हैं नाम मात्र की सहयोगी बनती हैं इसलिए जो राम का राजगद्दी दिखाई जाती है उसमें दास दासी भी दिखाए गए कि नहीं कौन वही लक्ष्मण भरत और शत्रुघ्न कोई पांव धो रहा है कोई छत्र लिए खड़ा है कोई पंखा जल रहा है हैं तो भाई लेकिन काम क्या कर रहे हैं दास दासी का काम कर रहे हैं तो आज के सतयुग त्रेता के जन्मों में दास दासी बनते रहेंगे अंत में जाके उनको कोट पतलून मिल जाएगी क्योंकि सारा ब्राह्मण जीवन उन्होंने विरोध किया है अंत में जाकर क्या बन जाएंगे सहयोगी बन जाएंगे तो उनको भी ये वजूरा मिलता है क्या कि सूर्यवंशियों में आ जाएंगे आठ की लिस्ट में नहीं आएंगे सजा तो खानी पड़ेगी धोखा दिया और लंबे समय तक इतना विरोध और कोई नहीं कर पाया पावरफुल आत्माएं हैं आदि की पहले पैदा होता है वो बड़ा होता है या बाद में पैदा होता है वो बड़ा होता है पहलोटी के बच्चों में ज्यादा ताकत होती है या बाद के बच्चों में ज्यादा ताकत होती है पहलोटी वाले में ज्यादा ताकत होती है दशरथ पटेल ने पूछा था बाबा हम अशोक पाहुजा और रवीश भाई इनकी सेवा करने जाएं अब भाई सेवा करने के लिए कौन मना करेगा हमने कहा सेवा करने भले जाओ लेकिन वो आदि वाली आत्माएं हैं एडवांस पार्टी की होशियार होकर के जाना सेवा करने गए बस उन्हीं के होके रह गए बस हमला 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 ही करना शुरू कर दिया हमले कर करा के या ठंडे होके बैठे हुए हम कोई रिजल्ट निकला अरे जब से हमला किया
तब थे दो मिनी मधुबन, तीन मिनी मधुबन, और अब हर स्टेट में मिनी मधुबन खोले हुए हैं 10 साल के अंदर। तो हमले से फायदा हुआ या नुकसान हुआ? चारों तरफ आवाज फैल गई। झूठ छिपता है क्या? झूठ उजागर हो जाता है। सत्य को भी कोई नहीं छिपा सकता, सच्चाई सर के ऊपर चढ़ करके बोलती है। और ये बोला है कि पहले होती है शिव जयंती, तो गीता जयंती, फिर बाद में होती है कृष्ण जयंती। मुरली ने बोला है फिर बाद में ऐसा बोला कि ब्राह्मण बनने दीकर प्रजापिता था गया, तो पहले शिव शंकर कहेंगे या शिव शक्ति कहेंगे? भक्ति को शक्ति तुम कैसे कहेंगे? शिव ने दोनों में प्रवेश किया साथ साथ। संसार में भी ऐसे ही होता है, बच्चों की पैदाइश होती है तो माँ बाप दोनों का बीज साथ साथ पड़ता है कि आगे पीछे पड़ता है? दोनों का साथ साथ, दोनों का समान सहयोग। तो दोनों में प्रवेश तो हुआ, लेकिन एक में प्रवेश हुआ उसका रिजल्ट आया सुनना और सुनाना। ये सुनना और सुनाना भक्ति मार्ग की शूटिंग हुई, और जिसको सुनाया गया उसने सुना भी और सुनने के साथ साथ क्या किया? समझा भी, तो वो हो गया ज्ञान मार्ग। ज्ञान को बीज कहा जाता है। भक्ति अच्छी चीज नहीं है? भक्ति को अच्छा बताया, भक्ति मार्ग मुर्दाबाद, ज्ञान मार्ग जिंदाबाद। समाधान हुआ? एक तरफ बोला गया कि जगदम्बा अपने हाथों में झाड़ू लिए खड़ी है। कौन कौन? प्रकृति नाम लिया है। बोला कि जगदम्बा अभी घूमघट में है, तो झाड़ू वाड़ लेकर घूंघट में नहीं ले सकता। झाड़ू भी आप लाओ, घूंघट में भी हो, दोनों काम में एक साथ हो सकता है। झाड़ू जब झाड़ू चलाना शुरू करेगी तो इधर भी दिखाई देगा, उधर भी दिखाई देगा, सामने वालों को भी घूंघट दिखाई देगा, घूंघट हट जाएगा। चारों तरफ हवा ऐसी चल जाएगी कि घूंघट नहीं रहेगा, फिर स्पष्ट महाकाली दिखाई देगी। गीत भी तो बनाया हुआ है, घूंघट में रहने दो, घूंघट में पर्दा न उठाओ, पर्दे में रहने दो, पर्दा जो हो गया फिर भूल जाएगा। बाबा भी पुरानी जो फिल्में थी उनके गीत क्यों उठा देते? उन फिल्मों के गीतों में भी सच्चाई बनी हुई है। ब्राह्मण परिवार जो है वो माला जपते रहते हैं कि मैं आत्मा स्टार ज्योति दिन में, तो माला हुई याद, माला ही हुई ये माला नहीं, माला माला माने नंबर डिक्लेयर करना। आत्मा की याद में रहते हैं, आत्मा की याद, पक्की आत्मा बन गई वो किस आधार से कह सकते वो पक्की आत्मा बन गई? खुशी नहीं दिखाई पड़ेगी, फोर्स नहीं दिखाई देगा, दृष्टि में फोर्स दिखाई देगा, वाचा में फोर्स दिखाई देगा, वाइब्रेशन में फोर्स दिखाई देगा। उसके वाइब्रेशन से भूत प्रेत भी भाग जाएंगे। सामने आने वाले नहीं, दूर बैठे भूत प्रेत अगर कुछ गड़बड़ कर रहे हैं और उसे पता चलेगा, दूर के वाइब्रेशन से ही दूर से भगा दिया जाएगा, वो पता नहीं चलेगा, अनुभव में नहीं आएगा। दृष्टि का फोर्स अनुभव में नहीं आएगा, वाचा का फोर्स अनुभव में नहीं आएगा, वाइब्रेशन का फोर्स अनुभव में नहीं आता है। अरे नेहरू जी भाषण करते थे तो सब उनके प्रभाव में आ जाते, कुछ विरोधी लोग जब उनसे दूर होते थे तो बहुत उनकी बुराई करते थे,
वो बुराई करने वाले फिर जब सामने आ जाते थे तो फिर उनके उनके जैसे हो जाते थे। ये कौन सा फोर्स है? ये आत्मा की वाइब्रेशन का फोर्स है। उसमें कुछ टाइम तो लगता होगा ना? पुरुषार्थ का टाइम नहीं लगेगा। पुरुषार्थ का टाइम होता है निश्चित। पूरी तेल में डाली जाती है तुरंत ऊपर आ जाती है, उसका टाइम नहीं होता है। उसमें जब तक पूरी गर्मी न चढ़े तब तो ऊपर कैसे आ जाएगी? ये भी पुरुषार्थ की गर्मी है। पुरुषार्थ जब तक परिपूर्ण स्टेज में नहीं आ जाएगा तब तक इंद्रियों में से वो ताकत निस्सृत नहीं होगी। इंद्रियां क्षीण होती रहेंगी, इंद्रियों में से शक्ति नीचे गिरती जाएगी, वो शक्ति ऊपर नहीं उठेगी। उसको शास्त्रकार लोग कहते हैं, विद्वान पंडित आचार्य कहते हैं, कुंडलनी शक्ति जागृत हो गई। कोई किसी की कुंडलनी शक्ति जागृत नहीं होती। कुंडलनी शक्ति कुछ नहीं है, काम विकार प्रधान है, और काम विकार से जो निस्तेजता आती है, शक्ति क्षीण होती है, वो शक्ति नीचे जाने की बजाय कपाल में आने लगे, वही कुंडलनी शक्ति जागृत होना है, दूसरी कोई शक्ति नहीं है। पुरुष जोड़े में बाबा छह चक्र है। क्यों सुनी सुनाई बातों के ऊपर पागल बने पड़े? चक्कर चलाने वाली आत्माएं आठ हैं। चक्कर चलाने वाली आत्माएं कितनी है? आठ आत्माएं हैं। तो अष्ट चक्र कहे जाते हैं। जो भगवान का विराट रूप है उसमें वो चक्कर चलाने वाली विशेष आत्माएं उसी के अंदर बैठी हुई है। नंबर बार कोई ऊपर है, कोई बीच में है, कोई कोई नीचे भी हो रहा है। भक्ति मार्ग वालों ने ऐसे कह दिया कि अंदर में छह चक्र है, वो बात नहीं जानती। बाबा अगर तुम्हें बोला कि सत्युग में करंसी नहीं होगी, असरफिया होगी, तो असरफिया क्या है? सत्युग में करेंसी की क्या जरूरत है? असरफियां जो हैं डालनी नहीं पड़ेंगी। अरे वहां तो सोना चांदी इतना, भारत में इतना अतिचार होगा, सारा समंदर खौलेगा, एटम बम फटेंगे, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव के मीलों ऊंचे पहाड़ समंदर में गिरेंगे, गर्मी में उबलेंगे, बर्फ उनकी क्या हो जाएगी? उबलता हुआ पानी। तो इतना जब समंदर हिलोरे मारेगा, सारी पृथ्वी समंदर के अंदर समा जाएगी, सारे महाद्वीप, हिमालय पहाड़ का थोड़ा सा ऊंचा हिस्सा और उत्तर भारत का थोड़ा सा हिस्सा रह जाएगा। तो कोई चीज है, कोई बर्तन है, उसमें कोई रतन वगैरह नीचे डाल दो और उसको हिलाओ तो एक जगह से दूसरी जगह नहीं जाएंगे, तो किनारा कहाँ होगा? भारत में किनारा होगा। सारे रतन जवाहरात उनके पहाड़ इकट्ठे होके कहाँ इकट्ठे होंगे? भारत में ही इकट्ठे हो जाएंगे। समंदर की सारी मछलियां, सारे जीव जंतु, महानगरों में रहने वाले इतने मनुष्य ढेर के ढेर करोड़ों की तादाद में, उनके शरीर सड़ेंगे, वो सड़ा हुआ कचरा सारा कहाँ इकट्ठा होगा? तो खाद बढ़िया मिलेगी कि नहीं मिलेगी? पैदाइश सबसे ज्यादा कहाँ होगी? कुछ पैदा करने की दरकार नहीं होगी, ऑटोमेटिक पैदाइश होती रहेगी। है करेंगे क्या? यहाँ बड़े बड़े ऑफिसर जो बन जाते हैं तो अपने बच्चे को पढ़ाते क्यों नहीं? पढ़ा रहे हो ना? बड़ा ऑफिसर, बड़ा आदमी, बड़ा पैसा कमाने के लिए पढ़ा रहे हो ना? बड़े बड़े ऑफिसर जब बन जाते हैं तो क्लबों में जाके क्या करना चाहते हैं? हैं? क्या करते हैं? मनोरंजन का डांस करेंगे, संगीत गाएंगे, चित्रकारी करेंगे, और देवताएं क्या करेंगे? खेलेंगे, वाद्य यंत्र बजाएंगे,
अरे आज दुनिया में क्या, दुनिया के लोग चाहते क्या है? मेहनत करना चाहते हैं? कोई मेहनत नहीं करना चाहता, सब चाहते हैं मस्ती की जिंदगी हो, तो देवताएं मस्ती मारेंगे। पाप कर्म करते हैं तो प्रकृति भी पापात्मा बन जाती है, तमो प्रधान बन जाती है। पैदाइश करते हैं तो भी अच्छी पैदाइश नहीं होती, आखरीन यूरिया डालते हैं, यूरिन, जितनी जितनी यूरिन डालते जाओ उतनी उतनी पैदाइश होगी। वो कीड़े वाली होगी या अच्छी होगी? कीड़े वाली पैदाइश होगी। वो हद की यूरिन है, मनुष्यों की बेहद की यूरिन निकलती है। जो बेहद की धरणी में पड़ती रहे तो धरणी बड़ी शांत रहेगी, तुम्हारी चलाई चलेगी, जैसे चलाओगे वैसे चलेगी। वो खाद डालना बंद कर दो, दूसरे को पकड़ लेगी, व्यभिचार फैलाएगी। घर घर में वैश्यालय है या शिवालय है? घर घर में वैश्यालय हो गया, धरणी विकृत हो गई है। जो भी पैदाइश होती है सब विकृत, खाने योग्य नहीं है, पीने योग्य नहीं है। अभी तो घर घर में फिल्टर रखा हुआ है, फिल्टर भी पानी साफ नहीं कर रहा है। इसमें फ्लोराइड तो बाबा जाता नहीं है, फ्लोराइड तो इसमें जाता ही नहीं है। मुरली में, हाँ? मुरली में आता है कि तुम सभी सीता हो, द्रौपदी हो, तो दूसरे देवियों का नाम क्यों नहीं बोलते? दूसरे देवियों का नाम क्यों नहीं आता है? जैसे तुम राधा हो, तुम सीताएं हो, तुम सब द्रौपदियां हो, तुम सब भक्तियां हो, है आता है ना। राधा तो सिर्फ एक ही होती है जो जन्म जन्मांतर पवित्र रहती है। कोई दूसरे पुरुष के साथ शादी भी हो जाए तो भी उसके साथ पवित्र रहेगी या अपवित्र रहेगी? तो भी उसके साथ पवित्र होकर के रहती है राधा। शादी शुदा बताते हैं या कन्या थी? कन्या थी, थी तो कन्या, लेकिन शादी शुदा थी या नहीं? शादी शुदा थी। तो गायन कहाँ का है? संगम का गायन है बाबा। हाँ, जैसे इस्लाम धर्म की स्थापना हुई बाद में उसकी राजाई भी चले, तो वैसे सन्यासी होगी क्या राजाई चलती है? उन्होंने सब त्याग दिया, औरत तो कोई त्याग दे। जिस राजा को रानी ही न हो तो राजाई किस काम की? तो बाबा यहाँ पर वो रानी कोई नहीं चाहते, जंगल में चले गए हैं, उसे छोड़ के चले गए, उन्हें रानी पसंद नहीं। तो बाबा यहाँ पर जो गंगा है वो सन्यासी की विद्रूप बताई जाती है। हाँ, तो वो क्या सन्या धर्म की स्थापना करने वाली जो वो शांतनु को छोड़ के चली जाती है कि रहती है? वो तो छोड़ के चली जाती है, वो तो खुद ही सन्यासिनी है, सन्यासियों की अम्मा है, इसलिए सारे सन्यासी गंगा के किनारे जाके मेढक की तरह बैठते हैं। पर बाबा जब सन्यास धर्म की स्थापना होती है तो वो आधरमुल्क में वो प्रवेश करती है, जो स्थापना करने वाले आधरमुल्क की माँ पिता बनती है या माँ बनती है? जो गंगा है वो आधरमुल्क का जन्म देने वाली बनती है द्वापर युग में? आधरमुल्क को जैसे कि बीजरूप को जन्म नहीं दे सकती, जैसे कि वो सिद्धार्थ और सिद्धार्थन है और उसका पिता बिंदुसार है, जैसे और धर्मों में है वैसे ही सन्यास धर्म में भी है। सन्यास धर्म की भी कोई बीज रूप आत्मा है अष्टदेवों में? नहीं होगी तो बाकी जन्म लेगी, जन्म देने वाला पिता बनेगी, आधारभूत तो उसका बच्चा बनेगा। गंगा नहीं बनेगी इसका? है उसका पिता गंगा नहीं बनेगा? गंगा तो ऐसी बीज रूप आत्मा है जो सन्यास धर्म की माँ है। क्या है? माँ है। गंगा का ज्यादा गायन है या गंगा के पति का ज्यादा गायन है? गंगा का ज्यादा गायन है। ओ पति थोड़े ही है, उसको तो गंगाधर कहा जाता है, धरावना किया हुआ है, शादी नहीं की है, उसे पति नहीं कहेंगे। लक्ष्मी के चित्र के नीचे जो बताया वो चांद है कि सूर्य है? हैं? वो जो नीचे बताया राधा कृष्ण और चैन की बंसरी है कि अभी ज्ञान तो होता ही नहीं तो मंदिर में? अरे बता तो दिया, वहाँ वाद्य यंत्र भी बजाएंगे। वाद्य यंत्र कोई कारखानों में बनेंगे क्या? तो बांसुरी नहीं बजा सकते?
हमने बोला है कि सारी दुनिया को हिसाब किताब खुद को करके जाना है, जैसे एडोल्फ हिटलर हुआ, हिटलर चंगेज खान हुए, बीबी अमीन हुए, कितने सारे हुए, उन्होंने कितने कितने कतलेआम करवा दी, अभी भी करें तो कितने हिस्से किस्सा करें हिस्सा पीता करें खुद को करें हुआ हिटलर मारामारी करेंगे दूसरे दिन। ज्ञान में चलने वाले ढेर ब्राह्मणों को मार देंगे, वो बात तो बराबर है, लेकिन सारी दुनिया को हिसाब किताब चुकतू करके जाना है तो दूसरी आत्मा हिटलर के साथ हिसाब किताब कैसे चुकतू करेंगे? क्यों नहीं चुकतू करेंगे? मरे जो हिटलर के हाथों मरेंगे उसके सहयोगी के हाथे मरेंगे तो हिसाब किताब चुकतू हो रहा है ना, वहाँ हद का मरना होता है हिंसात्मक और यहाँ बेहद का मरना है।